धमाका बल्लेबाजी रिलैक्सो की तरफ से की जा सकती है और पहले ही ओवर में उसका मुकाबला उन्होंने सादिक ने दिखा दिया है। पहले ओवर में 12 रन बना लिए हैं रिलैक्सो ने। सादिक की तरह स्ट्राइक पर आ गए। स्ट्राइक रन से बल्लेबाज है मानू सामना करने के लिए तैयार है। नए गेंदबाज का नाम शुक्रिया दीपक तैयार है। अपनी टीम का दूसरा ऋषभ तैयार है अपनी टीम का दूसरा अपना पहला ओवर करने के लिए। अंपायर ने सिग्नल दिया राइट आर्म ओवर करके से कमल जी दास विदर्भ से दौड़ते हुए तैयार अंतिम थ्रो और गेंद की गेंद को खोल दिया है। मिनोर खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्डर वहां मौजूद थे फील्ड करते एक रन पूरा किया और केवल एक रन लेने का मौका। इसे गेंद के बाद स्कोर हो गया 13 रन बगैर किसी नुकसान के। रिमेट को आज फील्डर के बाद आगे बल्लेबाजी करता हुआ और इस समय स्ट्राइक गेंद में आ गए हैं। जो बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं पर यहाँ आज सेंचुरी भी वो लगा चुके हैं। पीछे मैच में 8 ओवर में 300 रन का टारगेट किया था रिलैक्सो ने और आज इस फाइनल मैच में 10 ओवर ओवर की वीडियो बना भेजे मुझे वीडियो हाँ तो वहाँ चले जाइए आइए यूट्यूब पे सर्च मारो यूट्यूब पे एंजॉय करो अभी एंजॉय करो मिलना चाहिए जरूरी नहीं है कि आप हर गेंद को छक्का ही लगा दे। निराश है पवेलियन में वापस आ रहे हैं गेंद को चक्कर रहे कहीं ऐसा तो नहीं कि गेंद कट गई या खराब हो गई। उनको अपने आप पे इतना भरोसा इतना एतमाद है कि उन्होंने शॉट लगाया तो सिक्स को ले गया। हाँ हेलो कहीं दो हेलो हाँ यस चलो अभी टॉप देख लियो पक्का आप जी मैच के एंजॉय करो। आप जी थोड़ा हाई लो कही लो रोशन बाबा रोशन बाबा कीजिए। अरे कौशल भाई सामने सामने भैया हाँ हाँ सब चलो खड़े हो। हाँ नहीं नहीं यूट्यूब पे जाएगा भाई बस अभी आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएगा सारी पब्लिक इंजॉय कर जहाँ पर आना देवदास आज इस टूर्नामेंट का ये दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। पहला मैच हुआ चौड़ा और पहली की भी पहली मैच जीतकर इस फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। इंतजार कर रही है इस मैच में से जो भी जीतेगी उसका मुकाबला पूर्वांचल प्राइस से होगा और शुरू करना चाहते थे अंदरूनी फिरा लगा कोई खतरा नहीं हुआ वहां लेकिन कोई रन भी नहीं मिलेगा जिसको रुका हुआ अभी भी 15 रन एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस समय जारी है ओवर की समाप्ति हो गई तो ओवर की समाप्ति से स्कोर रुका हुआ अभी भी 15 रन एक विकेट के नुकसान पे। रिलैक्सो का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया रिलैक्सो ने। मतलब ओवर के इस मैच में देखना है कितने रनों का टारगेट वो देते हैं स्टार 11 को क्योंकि इस मैच जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में प्रवेश करेगी जिसका मुकाबला पूर्वांचल प्राइड से होगा जो फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। आज इस मैच के तुरंत बाद वो मैच खेला जाएगा। सादिक अब इस समय स्ट्राइक एंड से आ गए हैं लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज हैं तक एक तक का वो लगा चुके हैं बड़ी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। मतलब ओवर के मैच में
पिछले मैच में 8 ओवर में 130 रन का टारगेट दिया था सामने वाले टीम को, और देख रहे हैं आज 10 ओवर में कितना रन बनाते हैं। बबलू इस समय तैयार है, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी टीम का पहला और अपनी टीम का तीसरा और अपना पहला ओवर करने के लिए तैयार है। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर का विकेट है, मान ने सिग्नल दिया कमेंट बिलाव की जाने से लंबा रन दौड़ते हुए राइट आर्म ओवर का विकेट शादी के लिए, और विकेट गेंद करते हुए गेंद को फुल करना चाहते थे, बीच हो गए सफाई से गैदर किया विकेट कीपर ने गेंद को, और कोई रन लेने का मौका नहीं, स्कोर रुका हुआ अभी भी 15 रन एक विकेट के नुकसान से 2 ओवर की समाप्ति पे रिलैक्स होगा। तीसरा ओवर बबलू के द्वारा जारी है जो अपना पहला ओवर कर रहे हैं, 10 ओवर का ये मैच खेला जा रहा है, आज का ये दूसरा सेमीफाइनल मैच है, जिस टीम को जो भी मैच जीतेगी वो का मुकाबला पूर्वांचल पैरी से होगा। जो इस समय तैयार है बाएं हाथ के बल्लेबाज, बहुत खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं, कीपर का ये कैच छोड़ना थोड़ा मुश्किल जरूर था लेकिन वो कैच छोड़ा जा सकता था। मैच देख रहे हैं मैच होने के साथ तैयार है और का विकेट से दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और द्वितीय अंक खेला है, अच्छे फील्डिंग फॉरवर्ड थ्रू में बॉल कहीं जा सकती है, बल्लेबाज को के साथ टीम का स्कोर पहुंच गया है, बल्लेबाजी करते हुए दूसरा झटका लग सकता था वहां लेकिन कैच छूटा, साबित किया जो काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं स्टार 11 के लिए। लेकिन बॉलर एक बार फिर तैयार है, बबलू जिन्होंने लगभग सफलता दिलाई भी थी अपनी टीम को, और बीच एंड चेंज करने के बाद राइट आर्म राउंड का विकेट से साबित को दौड़ते हुए कमेंट सिद्धार्थ की दाहिनी जांच से, और बीच गेंद को थ्रू करना चाहते थे एक बार फिर लेकिन समझदारी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं वहां बबलू, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर बीट हुए विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया और स्कोर अभी भी रुका हुआ 18 रन एक विकेट के नुकसान पर रिलैक्सो का। बल्लेबाजी करने का फैसला किया रिलैक्सो ने, सादिक तैयार है जिनके कंधे पे बहुत जिम्मेदारी है और बीच गेंद को खेला है 100 ओवर की जानी फाइन लेग की दिशा से गेंद सीधे रेखा के बाहर चली गई, फील्डर वहां मौजूद थे लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं चला, चकमा खा गए वो क्योंकि थोड़ा सा धूप और छांव का खेल चल रहा है वो, और इस चौके के साथ स्कोर पहुंच गया रिलैक्सो का 22 रन एक विकेट के नुकसान पे। ओवर में अभी भी गेंदें बची हुई है, सादिक एक बार फिर तैयार है 2 ओवर की समाप्ति पे 22 रन एक आगे गिर गई, मुझे लगता है कि उनको कैच का प्रयास करना चाहिए था, मुश्किल कैच था, बाहर के बल्लेबाज के लिए पॉइंट में खड़े फील्डर को कैच पकड़ना पड़े तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन केवल एक रन मिलेगा शादी को स्कोर 24 रन 3 ओवर की समाप्ति पर 4 ओवर समय रिशभ के द्वारा जाए बहुत ही बेहतरीन ओवर प्रदर्शन करेगी विजेता का ताज उसके शीर्ष सजेगा, इसीलिए जाने यहाँ से उनकी गेंद और गेंद को खेल दिया है केदारे मिट्स की टीम पर लाश जोड़ी का भी दर्शक कोई ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगा, जहाँ खड़े वहीं खड़े रहेंगे और गेंद को ले ले और तुरंत टॉस कराने का कष्ट करें। नहीं पड़ा अभी मैं पड़को पूरा अंसार अहमद से गुजारिश करूंगा वार्ड नंबर 7 के जिला पंचायत सदस्य तुरंत जाए और दोनों कप्तान बाकी कोई भी खिलाड़ी नहीं रहेगा, दर्शक कतई ग्राउंड के अंदर नहीं घुसेगा और जो भी टीमें दर्शक आ रहे हैं बाहर से ही आने का कष्ट, अंसार अहमद साहब से गुजारिश करूंगा जाके टास्क करवा ले भाई वीडियो वाले हजरत, आपसे गुजारिश करूंगा आपका मैं सम्मान करता हूँ इस्तकबाल करता हूँ लेकिन थोड़ा सा बाहर होके जाने का कष्ट करें, आपके पीछे हम लोग को ही चलना है वसीम भाई रिक्वेस्ट होगा कोई भी ग्राउंड के अंदर रिलैक्स होकर कप्तान अपूर्वांचल वसीम भाई कप्तान थोड़ा टास्क करा ले, हमारे अंसार भाई जो मेरे ख्याल से उनके अंदर एक झलक भी है एक चमक भी है नेतागिरी करने की लेकिन कामयाबी आप लोग ही दिलाएंगे। दर्शक ग्राउंड से बाहर जाए, तमाम दर्शक बार बार गुजारिश कर रहा हूँ किसी को मौका ना दे दर्शक ग्राउंड से बाहर गुना छोड़ के इस खूबसूरत लाजवाब स्टेडियम पर। डॉक्टर वसीम साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो भी ग्राउंड के अंदर जाने का कष्ट है, डॉक्टर वसीम साहब बाहर निकल छोटे हॉस्पिटल लखनऊ
मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुरंत ग्राउंड के अंदर जाए डॉक्टर वसीम साहब। हाँ एक नंबर एक नंबर। आस्ते आस्ते बताते चलो आपके बीच में गुणवत्ता जमीन पे यूट्यूब पे देखो भाई और रिलैक्सो के बीच भाई मुझे मत डूडो में कैमरा मैन में कैमरा शूटिंग करवा जाए पूरी मेहनत करके थोड़ा सही चलो यार पड़को पड़को भाई भी इस कॉलेज को कॉलेज करते हुए हमारे बीच में अंसार अहमद साहब कोर्ट दे रहे अभी भाई क्या कर रखे ये लोग आपस में यही बात कर रहे हैं कि कमेंटेटर को भी कुछ हौसला अफजाई कर दिया जाए। बिल्कुल नहीं इनके हाथों से निकलती है। ए फोड़ यार भाई तो यही इशारा था अब रही बात दूसरे कहेंगे तो दूसरे जरूर कहेंगे लेकिन ए रोजमा फोड़ो यार क्या कर दो फोड़ यार चूतिया बंदी कर फोड़ 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 स्टार्ट नाउ मार 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 बेटा मार या क्या आया है रोशन बाबा की जय हो। अबे चौका था उधर डरा था भाई अच्छा होना चाहिए इसीलिए दर्शक खड़े हैं यार मोरा दे हाँ ले ले ताले फुटा तू जाए फाइनल मैच 10 ओवर का खेला जाएगा प्रधान जी आप बैठे अबे बेकार है कौन बोली साबरी और इस समय पूर्वांचल पारी ने टॉस जीता है पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया इस समय इस रंगारंग कार्यक्रम वापस समारोह कुछ ही समय बाद यहाँ होगा लेकिन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पटाखों से उभरता हुआ स्टेडियम चारों दर्शकों का हुजूम और जनसैलाब और मेरे ख्याल से एक पटाखिया और छूटेगी जब आपका बेटा वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत सदस्य बनकर अंसार अहमद आएगा तो मेरे ख्याल से पटाखिया गुड़वा खोर गाँव में इतना कि मेरे ख्याल से पता ही नहीं चलेगा लेकिन वक्त और मैं चाहूंगा भी कि उस वक्त मैं भी इस गांव में जरूर रहूं मैं रिक्वेस्ट करूंगा ग्राउंड को खाली करने का कष्ट करें तुरंत फील्डिंग सजाने का कष्ट करें ये ऐसा इसलिए कहा पूर्वांचल पारी ने चाह की भरी डिसीजन दिया है क्योंकि उन्हें मालूम है कि रिलैक्सो ने अभी फील्डिंग किया है और तुरंत गेंदबाजी और फील्डिंग के लिए उतरेगी तो एक मनोवैज्ञानिक जो थकान है वो जरूर महसूस होगी लेकिन पूर्वांचल पारी के अंदर बहुत ही अच्छे गेंदबाज भी मौजूद है वो अपनी खूबसूरत बल्लेबाजी भी मौजूद है ये मैच 10 ओवर का खेला जाएगा चार गेंदबाज देख सकते हैं फाइनल मैच आजमगढ़ और पूर्वांचल पैड़ी के बीच अभी भाई अगर मेरी आवाज में कमेटी बॉक्स की लाने का कष्ट है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्राउंड को तत्काल खाली करने का कष्ट है ग्राउंड को तत्काल खाली करने का कष्ट करें इस समय वार्ड नंबर 7 के जिला पंचायत सदस्य